समाचारमां आगळ वात करी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग केस में आजीवन कारावास की सजा। महत्वपूर्ण छे के तेने फांसीनी सजानी मांग करवामां आवी, परंतु कोर्टे आजीवन कारावासनी सजा संभळावी छे। अगाउ यासीन ने एनआईए कोर्ट दोषी ठरावी चुकी हती। यासीन सामे पाकिस्तानू समर्थन करी काश्मीर में आतंकवादी प्रवृत्ति माटे फंडिंग करवू अने आतंकवादियों शस्त्रों हथियार उपलब्ध करावाने लगता विविध केस हेठळ आ सजा फटकारवामां आवी। आ पहेला पण पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कड़क करवामां आवी छे अने श्रीनगर ना अनेक बजारों पण बंद करी देवामां आव्या। लाल चौक सहित अनेक विस्तारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़क करवामां आवी। श्रीनगर की आजूबाजू विस्तारों में मोबाइल अने इंटरनेट सेवा पण बंद करी देवामां आवी छे। मुबारक है सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। तो यासीना गुनाओनु लिस्ट आपनी स्क्रीन पर, जो कि आ पहला पण तेओ कही चुक्या हता के हा टेरर फंडिंग में तेनो पोतानो हाथ हतो अने आ प्रकारनी भारत विरोधी प्रवृत्ति करवामां पण तेणे सहकार आपेलो छे। वायुसेनाना जवानों पर 25 जानुआरी 1990 में हुमलो थयो। यासीन मलिके आ षड्यंत्र रच्यु होवाना तेनी पर आरोप छे। मोहम्मद सईदनी पुत्री रूबियाना अपहरणनो पण तेनी पर आरोप लाग्यो छे। आ केसमां यासीन साथे 2 ડઝન આરોપી સામેલ હતા। કાશ્મીરી પંડિતોની હત્યા કરી તેને ખાટી છોડવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા। તો યાસીન મલિકની સજાના વિરોધમાં થઈ શકે હુમલો, દિલ્હી એનસીઆરમાં થઈ શકે આતંકી હુમલો, સુરક્ષા એજન્સીઓએ એલર્ટ આપી દીધું છે। દિલ્હી પોલીસને 6-7 સંવેદનશીલ એલર્ટ મળ્યા। તિહાડ જેલમાં બંધ અલગાવવાદી નેતાને સજાના વિરોધમાં આ હુમલો થઈ શકે છે। તો યાસીન મલિકને લઈને આજ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે અને જન્મટીપ જ્યાં સુધી જીવન ત્યાં સુધી ઉમ્ર કેદની સજા સંભળાવવામાં આવી છે તેને લઈને એનઆઈએ હવે વધારે એક્ટિવ થઈ ચૂકી છે। કારણ કે અલગ અલગ 6-7 જગ્યા એવી છે કે જ્યાં હુમલાઓ થઈ શકે છે। દિલ્હી અને દિલ્હી એનસીઆર તમામ જે મહત્વપૂર્ણ વિસ્તાર છે ત્યાં આતંકી હુમલાને લઈને એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે।